यौम आज़ादी के मौके पर डॉक्टर रफीक अकमल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप लिया गया। शोबे तालीम और शोबे खिदमत खल्क में नुमाया काम अंजाम देने वाले डॉक्टर शेख रफीक अकमल ने मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया। महात्मा फुले मार्केट में वाक़े अकमल पॉली क्लिनिक पर यह तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप में मुख्तलिफ अमराज जैसे शुगर, दम्मा, बीपी, अमराज इतफाल और आम अमराज की मुफ्त तशखीस अमल में आई। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने खिदमात अंजाम दी, जिनमें डॉक्टर मुजाहिद खान, डॉक्टर बदीउद्दीन, डॉक्टर नईम हाशमी, डॉक्टर समीना अकमल, डॉक्टर शेख रफीक अकमल के नाम काबिल जिक्र है। मरीजों की मुफ्त जाँच के साथ साथ इन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई। कैंप से कबल एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में डॉक्टर रफीक अकमल की जानिब से मेहमानान को गुलदस्ते देकर उनका खैर मकदम किया गया। ये कैंप इसलिए रखा गया है कि इस हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर 27 साल हो गया आज हिंदुस्तान को आज़ाद होके, इन गरीब लोगों का इस पुरसान हाल नहीं है कोई, जहाँ पर मेडिकल तिब्बी बराबर उनको मुफ्त में सहूलियात नहीं मिलती है, उसलिए हम ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप इसलिए रखा गया है कि इनको मेडिसिन के साथ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और फास्टिंग ब्लड शुगर वगैरह इनको सभी सहूलियात दिए। इसके अलावा दमे के मरीज़ों के लिए स्पेनोमैनोमीटर से उनका टेस्ट किया जा रहा है और कैंसर के मरीज़ उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो आजकल गुटखे की जो लानत लगी हमारी नौजवान नस्ल ये गुटखे की वजह से तबाह बर्बाद हो जा रही है, इसका किसी को ख्याल नहीं है, उसीलिए हम इस मौके पर इसलिए रखे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ इस हमारा समाज गुटखे से भी मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए, यही हमारा मकसद है और हम समाज में इस तरह के काम अंजाम देते हैं।